हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मैमनी। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अनदर मीशो हॉल, जिसमें कुछ कुर्ता पैंट सेट है, लेगीज है, पैंट्स है, प्लाजोज है। सो मैंने बाय किए हैं कुछ असेंशियल्स, बहुत ज़्यादा असेंशियल जो कि मुझे चाहिए थे। सो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और ये कुछ अभी के हैं, कुछ पहले के हैं, और कुछ मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ, वो भी आपको पता चल जाएंगे कि आपको इससे क्वालिटी पता चल जाएगी। तो यस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। एंड ये लुक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैंने क्रिएट किया है मिलाप न्यू ब्रांड है एक, उसकी किट से फ्लिपकार्ट पे आपको सभी ब्रांड्स की किट्स मिल रही है, जो कि बहुत ही सुपर अफोर्डेबल है। मैंने दो किट ऑर्डर की थी, जस्ट हर्ब की है और एक मिलाप की है। तो ये मिलाप का मेकअप लुक है, जिसमें गोल्डन कलर का लाइनर, दो लिपस्टिक, एक लिक्विड लिपस्टिक है, एक बुलेट लिपस्टिक है, एक फाउंडेशन, काजल एंड मस्कारा मुझे रिसीव हुआ है। तो मुझे मस्कारा एंड फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा, लिपस्टिक का शेड अच्छा है, लेकिन लिपस्टिक मुझे ओके लगी। इस तरीके से ये लिपस्टिक आपके लिप्स को स्टिक करी, बट फाउंडेशन बहुत अच्छा है, परफेक्ट शेड है, इजी टू ब्लेंड है, इसका कवरेज बहुत अच्छा है। मुझे सिर्फ एक ही लेयर अप्लाई करनी पड़ी एंड मुझे बहुत अच्छा कवरेज मिला है। सो लुक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर, मे बी शायद इस वीडियो के पहले या बाद में अपलोड होगा, सो देख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर देख पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी के मैं कोड्स ट्राई करूँगी कि प्रोवाइड कर दूँ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका हूँ सर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पेंट्स हैं, फर्स्ट जो मैं बहुत पहन चुकी हूँ, जो वॉश हो चुकी है, वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने चार ऑर्डर की हैं, दो दो के कॉम्बो में, एक कॉम्बो में मुझे दो रिसीव हुई थी। तो फर्स्ट इस तरीके की ब्लैक कलर की जेगिंग टाइप जीन्स का पेंट्स हैं, कुछ इस तरह की इलास्टिक्स आपको इसमें मिल जाती है। इसमें मैंने 50 साइज ऑर्डर किया है, ताकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। इसमें आपको इस तरीके की पॉकेट मिल रही है, बट शायद पॉकेट, हाँ, दोनों साइड पर आपको पॉकेट मिल रही है। और यहाँ पर आपको इसकी लेंथ जो है, इस लेंथ पे इस तरीके से आपको बटन्स मिल रहे हैं, क्लॉथ बटन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचबल कपड़ा है। सो हेल्दी हैं तो बहुत अच्छा है, और मुझे इस तरीके की पैंट्स, लेगिंग्स, प्लाजोज कम्फर्टेबल चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा ओवर साइज ही मंगाया है। यस गाइस, थोड़ा सा ओवर साइज है, ताकि मैं डेली में जब घर जाती हूँ तब वहाँ पर पहन सकूँ। तो ये ऑलरेडी वॉश हो चुकी है गाइस, यस ये वॉश हो चुकी है, आप देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया है। ये एक ही बार वॉश हुई है, बट बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। सेकेंड ये वाली है, ये ऑलरेडी आई थिंक 10 to 12 टाइम्स वॉश हो चुकी है, एंड आप इसका कपड़ा कलर देख सकते हो। ये कॉम्बो मुझे मिला था आई थिंक 450 या 423 रुपये का, ये कॉम्बो मुझे मिला है। इसमें भी पॉकेट से फेट बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं से भी फटी नहीं है, कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। इससे मैंने बहुत पहना, 2 महीने मैंने इसको बहुत पहना है। यस गाइस, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी तब मैंने ये ली थी एक सूट को पहनने के लिए। जैसे जैसे इसका कपड़ा धुलता जाएगा उतना ज़्यादा सॉफ्ट और गफ होता जाएगा। तो ये दो है जो ऑलरेडी वॉश हो चुकी है, वेयर चुकी है, कर चुकी हूँ मैं। और ये है एक और कॉम्बो, जिसमें गोल्डन आपको मिल रहा है और एक वाइट मिल रहा है। इस पर वाइट भी चल जाएगा, ब्लैक भी चल जाएगा। मैं ब्लैक पहनूंगी इसके साथ, तो मैंने वो ब्लैक ऑर्डर किया था। एक वाइट है, जो कि मेरी वाइट कलर की लेगिंग्स पूरी कलर की हो चुकी है। इस पर जो MRP है 599 रुपीज़ है। समर कलेक्शन कॉटन पेंट है ये, 48 to 52 इस तरीके का इस पर साइज़ लिखा हुआ है। तो ये वाइट कलर है, ये ब्लैक है, ये गोल्डन है, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। 52 या 50 साइज़ मैंने इसमें बाय किया है। सो ये वाला मुझे शायद 350 रुपये का मिला। यस, ये वाला मुझे 350 रुपये का दो पेंट मिला है, पर ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। यस, नेक्स्ट यहाँ पे पहले प्लाजो शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आगे मैं आपके संग सूट जो कोट से टैग के हैं वो शेयर करूँगी, और मेरे पास एक नाइटी है वो मैं सबसे लास्ट में आपके संग शेयर करूँगी। सो प्लाजो भी मैंने ये दो कॉम्बोज लिए थे, इस तरीके का वाइट प्लाजो है, जो कि डेली पहनने के लिए मैंने लिया है। बहुत ही प्रिटी है, कंफर्टेबल रहते हैं। इसमें भी आई थिंक 52 साइज है, ये भी मैंने अभी ट्राई नहीं किए हैं, बट ओके है, आप डेली में पहन सकते हो लॉन्ग कुर्ता उसके ऊपर, घर में पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है, बड़ा साइज़ ही दिख रहा है मुझे। तो एक ये वाइट है,
और इसके साथ मुझे मिल रहा है रेड। तो रेड तो मेरे पास शायद सूट है, उस पर लेगी के साथ मैं ये पहन सकती हूँ, एंड वाइट भी कॉमन कलर है तो इसके साथ भी चला जाएगा, काफ़ी चीज़ों के साथ चला जाएगा। तो इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसमें मैंने 52 ही किया था, इस पर कोई कंपनी नेम नहीं लिखा है, इस पर 4XL साइज ज़रूर लिखा है, बट इसका नंबर ज़्यादा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इसका नंबर ज़्यादा था। तो अच्छी बात है, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल चाहिए, डेली के लिए हम उठ बैठ सकें, गाड़ी वाड़ी पे कोई दिक्कत ना है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। सो अब हम चलते हैं सूट की तरफ। यहाँ पे मेरे पास दो सूट्स हैं, एक ये वाला है जो कि मैं ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में, यस एक वीडियो में ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ, मैंने इनको ट्राई कर लिया है, इनको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। आई लव दी नेक, इसका नेक बहुत प्रिटी है एंड इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये काफ़ी टाइम से मेरी नज़रों पे था कि मुझे इसको बाय करना है। दोनों ही सेम ब्रांड के हैं, मैं नेम आपको बता दूँगी, इसको मैंने वेयर कर चुकी हूँ तो मैंने इसका टैग निकाल दिया है। इसमें मैंने 5XL ऑर्डर किया था, इसका फैब्रिक थोड़ा सा मुझे पतला दिखा है बट फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, समर के लिए कॉटन प्लस सिल्क है शायद ये, तो इस तरीके का कुर्ता है। ट्राई ऑन में ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं प्रोवाइड कर दूँ। इसके साथ आपको मिल रही है फुल साइज़ 50 की पैंट, जिसमें आपको एक साइड ये भी मिल रहा है, पॉकेट भी मिल रहा है, बट इसकी जो पैंट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, नीचे से प्लेन है, कुछ नहीं है, कोट सेट टाइप के ही ड्रेसेस हैं ये, बहुत ही प्रिटी है। अगर आप दुपट्टा वेयर करना इतना पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके के सूट्स बाय कर सकते हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं भी कम ही दुपट्टा वेयर करना पसंद करती हूँ। एक ये रेड कलर का है, मेरे पास इस तरीके का रेड कलर नहीं था और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ विद द रेड शेड, सो यस ये एक रेड शेड मैंने बाय किया है और इसका नाम है वोश्रिकी अनी डिज़ाइनर्स के नाम से, उस पर तो MRP 2599 रुपये दे रखे हैं, बट ये सभी अंडर 500 रुपीज़ है, ये भी 5XL ही है, ये भी सेम ही ब्रांड का है, अन्नी डिज़ाइनर्स की तरफ से ही है ये भी, कोशिकी फैशन हाउस के नाम से है ये। तो ये इस पर इस तरीके का ऊन का जो है बाउंड्री है, कपड़ा बहुत बहुत अच्छा है, फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर भी बहुत प्रिटी है। ट्राई ऑन जल्दी ही मैं आपके सामने शेयर करूँगी, आपको इस वीडियो में तो साइड में मिल जाएगा, एंड इसके साथ आपको इस तरीके की पैंट मिल रही है और इस पैंट में भी आपको एक जिप मिल रहा है, सॉरी पॉकेट मिल रहा है, और ये भी 5XL है, पेंट 5XL, पर इनकी पेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है अदर पेंट्स के, यस ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं एक्चुअल 5XL जो है वो है, इस तरीके के नॉट से इसमें, बट ये आपको टाइट करने के लिए नहीं दे रखी है, आपको हैंगिंग के लिए दे रखी है, ये इस तरीके का इलास्टिक, काफ़ी यूज साइज है तो बहुत कम्फर्टेबल है, आप डेली वेयर में हेल्दी हैं थोड़े इसको पहन सकते हैं, जैसे मैं हूँ तो यस मुझे इस तरीके कंफर्टेबल लूज कपड़े पसंद है और इनका फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल नाइटी, इट्स अ गाउन, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही अच्छी है, इसको भी मैं पहन चुकी हूँ काफ़ी बार, सी वॉश भी हो चुकी है, इस तरीके का इसमें इलास्टिक है, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था और ये काफ्तान लुक में है, जो अभी काफ्तान चल रहा है ना लुक उसी में है, इस तरीके का वी नेक है, ये सैटन का कपड़ा है, इसका कुछ इस तरीके का है और आपको यहाँ पे नीचे इस तरीके का कट मिल जाएगा जो कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है, आप चाहें तो इसको, सो ये काफ्तान लुक में साइड कट के साथ बहुत ही प्रिटी है, इसके आपको इलास्टिक बेल्ट मिल रहा है यहाँ पर और इस पर भी एक इस तरीके का फुंदा दे रखा है जो कि बहुत ही प्रिटी है। सो ये है एंड ये मुझे आई थिंक 250 की ही पड़ी है, बहुत ही इलास्टिकल है तो आप इसको वेयर कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।